हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज आपको मैं दिखाने लाया हूं एक फिल्म की शूटिंग लोकेशन जिसका नाम था सोला और सबनम। 1992 की ये फिल्म जिसको बन के 31 साल हो चुके हैं। ये फिल्म के अंदर गोविंदा जी ने और दिव्या भारती जी ने काम किया था और एक फिल्म का एक सॉन्ग जो ऊटी में रिकॉर्ड हुआ था, वो सॉन्ग बहुत हमेशा इमोशनल कर देता है। तू रूठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, तू रूठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, सारी उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी। दोस्तों, 31 साल पहले बनी हुई ये फिल्म सोला और सबनम की शूटिंग इसी जगह पर हुई थी जहां पर मैं बैठा हुआ हूं। दोस्तों, बहुत सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म के अंदर इस जगह पर, ये शॉपिंग सेंटर पर, ये शॉपिंग मॉल पर, यहाँ पर सीन लिए गए थे। एक जुहू वैशाली शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर यूनो सीन लिए गए थे और आज हम यहीं पर हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि फहीम भाई, सोला और सबनम की फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाओ। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक जुहू वैशाली शॉपिंग सेंटर देखने मिलेगा। आदिल भाई, एक बार आप कैमरा उधर करके दिखा दें। ये है जुहू वैशाली शॉपिंग सेंटर और मैं बीच में यहाँ पर डिवाइडर पर आके खड़ा हो चुका हूँ। दोस्तों, कहीं पर खड़ा होने की जगह ही नहीं मिलती है, लोग शॉपिंग करते रहते हैं। लोगों को मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूँ और वीडियो बनाना भी चाहता हूँ, तो इस हिसाब से जगह ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ पर हम ऐसा प्रॉपरली खड़े हो जाएं और आपको बता पाएं। तो दोस्तों, आइए अब हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पर ये सारी वो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग और सारी ही जगह तो दिखाई गई थी फिल्म के अंदर। दोस्तों, दिव्या भारती जी को जाकर 30 साल हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल के महीने में 5 तारीख को 31 साल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो जगह को देखते हैं जहां पर गोविंदा जी की और पुलिस वाले की फाइट होती है। दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हो, 31 साल पहले आई हुई फिल्म सोला और सबनम में आपने इसको देखी थी। दोस्तों, ये जगह है जुहू विले पार्ले शॉपिंग सेंटर के पास में। ये जो आप पेड़ देख रहे हो जहाँ पर कार पार्किंग है और ये जहाँ पे द वाइन वॉल्ट करके है, ये जुहू वैशाली शॉपिंग सेंटर और बहुत सारी शॉपिंग्स की दुकानें। दोस्तों, जहाँ पर ये कार खड़े हुए देख रहे हो और ये रोड देख रहे हो, ये रोड वही है जो सोला और सबनम फिल्म के अंदर दिखाया गया था। दोस्तों, फिल्म के अंदर जो पुलिस वाला दिखाया गया है, जब उनका लास्ट सीन होता है, जब गोविंदा जी उनको मारते हैं, तो वो यही है, वो यही जगह है। और सामने जहाँ पर ये आप जुहू वैशाली शॉपिंग सेंटर देख रहे हो, ये वो सीढ़ी हैं जहाँ पर नीचे गोविंदा जी खड़े रहते हैं और ऊपर पर पुलिस वाला और अनुपम खेर जी उनको ऊपर से धक्का देते हैं। जब एक सीन में उनको धक्का देते हुए दिखाया जाता है ना, तो पीछे गोविंदा जी के ये जगह दिखती है। ये वो भी जगह है जो दीवाना फिल्म में दिखाई गई थी जहाँ पर ये रोड क्रॉस करती थी दिव्या भारती जी। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं ये फिल्म सोला और सबनम के हिसाब से। ये ढक्कन उतारो ना। दोस्तों, जिस वक्त फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे, वो पीछे आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, उसको ग्रीन कलर में दिखाया गया था। लेकिन आज ये बड़ा पेड़ है, इस वजह से पूरा प्रॉपर ये नहीं दिख पा रही है, पेड़ भी बड़ा हो चुका है। और उसके बाजू में ये था शॉपिंग सेंटर, अब इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट से मैच करोगे तो आज भी ये 2 फ्लोर का ही है और उसके बाजू में ये जो पेड़ आप देख रहे हो, ये भी छोटा सा दिख रहा था। पहले भी यहाँ पर एक वाइन शॉप था और आज भी यहाँ पर एक वाइन शॉप है
और ये वो सीढ़ी है जो फिल्म के अंदर दिखाई गई थी शॉपिंग सेंटर वाली। और फिर जब वो उनकी यहाँ पे फाइटिंग होती है तो ये सारी जो शॉपिंग शॉप हैं इनके सामने के कुछ बैनर्स भी लगे हुए होते हैं और सारी के सारे सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे दोस्तों। 16 और शबनम फिल्म के अंदर गोविंदा जी की जो सिस्टर है उनके साथ में कुछ गुंडे बदतमीजी करते हैं तो वो यही जगह है जहाँ पर वो उनसे बदतमीजी करते हैं, जहाँ पर ये कार खड़ी हुई है ये वही जगह है। और जब वो यहाँ पे फाइट करते रहते हैं बाद में वो आगे की ओर भागते हैं, ये जो डिवाइडर आप देख रहे हो यहाँ पर अभी पेड़ खड़े हुए हैं लेकिन जिस वक्त यहाँ से वो पुलिस वाला भागता हुआ दिखाया जाता है वो टाइम पर यहाँ पर ये डिवाइडर के बीच में पेड़ नहीं थे। वो भागते हैं उनके साइड में एक गार्डन दिखता है, पेड़ ही पेड़ दिखते हैं, वो तो आज भी यहाँ पर देखने के लिए ऐसे ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी वो जगह जो 16 और शबनम फिल्म के अंदर दिखाई गई थी। इसमें ऐसे ही आधी शॉप नीचे की ओर है और आधी शॉप ऊपर की ओर है और बीच में से सीढ़ी है। आज भी यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते हैं लेकिन ये भी काफ़ी मॉडिफाइड हो चुका था। पहले इसका नाम जुहू विलेपाले शॉपिंग सेंटर नाम था और अभी जुहू वैशाली शॉपिंग सेंटर इसका नाम है। चलिए दोस्तों इस जगह से अलविदा लेते हैं जहाँ पर 16 और शबनम फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। ये वही शॉपिंग सेंटर था जहाँ पर सारी फाइट हुई थी, ये वही जगह थी जहाँ पर गोविंदा जी के पीछे दिखता है और यहाँ पर सीन लिए गए थे। दोस्तों हमें उम्मीद है ये 16 और शबनम फिल्म की शूटिंग लोकेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसे ही आप कमेंट करके बताना, हम आपको और कोई दूसरी लोकेशन दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। आई लव यू गाइज़, लव यू ऑल गाइज़।